फेसबुक, और फेसबुक साथ में बहुत ही अच्छा दोस्त और बहुत ही पॉपुलर एक्टर अली अब्बास। यही नाम है ना? अपने बारे में बताइए, फेसबुक पे इतने सारे सीरियल, इतने सारे फिल्म की, इन्होंने पीके में भी काम किया, मतलब पीके जैसी मूवी जो नहीं संजू संजू में किया था, वही राजकुमार हिरानी जी के साथ काम तो किया था। थोड़ा सा हेयर अपना आजकल थोड़ा केयर नहीं कर रहा हेयर पे, तो ये है बहुत ही टैलेंटेड एक्टर और बहुत ही अचीव किया इस बंदे ने, अच्छे प्रोजेक्ट, अच्छे कैरेक्टर, और एक सीरियल में अभी काम भी कर रहा, और मैं काम ढूंढ रहा हूँ। इसको बोलते हैं अचीवमेंट और इसको बोलते हैं स्ट्रगल। ये स्ट्रगल है और ये अचीवमेंट है, और ये हम लोग दोनों एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, स्ट्रगल और अचीवमेंट, और क्या चाहिए। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ रिक्शा, स्ट्रगल एंड अचीवमेंट एंड स्टोरी फ्रॉम द रिक्शा वाली हमारी जानकी देवी। आज मैं आप लोगों को महाभारत के बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने काफ़ी रिसर्च किया है महाभारत के, जिसमें कृष्ण जी ने हमें, मतलब मैंने जहाँ तक सीखा है महाभारत को, कि गौरवों को किस तरह, गौरव और पांडव की बेसिकली अगर इस कहानी को देखा जाए तो ये कहानी स्टार्ट होती है गौरव की जीत से। मतलब गौरव बोलते हैं किसी जीत का श्रेय, आप जीतते हो किसी चीज़ को, उसको गौरव बोलते हैं कि आपने जीत प्राप्त की है, और पांडव का हार। बेसिकली महाभारत का मोरल ऑफ द स्टोरी ये था कि अपने हार को एंजॉय करो, एंजॉय द लूज, मतलब अपने गौरव, अपने जीत को हराया उन्होंने अपने हार से, और यही था कनेक्शन अर्जुन का और कृष्ण जी का, कि वो बताना चाहते थे कि हर बार जीत आपको खुशी नहीं दे सकती, कभी कभी हार भी आपको एक अच्छी खुशी, एक अच्छा सुकून दे सकता है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये था कि पांडवों के लाइफ का स्ट्रगल, फिर प्लस सोसाइटी का कल्चर, और उन्होंने वो सब चीज़ें देखी हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत हीरोइन हमारी फिल्म की जो आज हमारे बगल में फोरग्राउंड में प्यारी सी लारी, मैं अपने फिल्म में किसी न किसी हीरोइन को कनेक्ट कर ही लेता हूं, क्योंकि बजट नहीं मिलता है बाद में, मैं ज़्यादा को एक्टर से बात नहीं करता, पर ठीक है। चलो, बहुत ही प्यारी होनहार एक्टर जीत मुझे एज अ को एक्टर, और मुझे ये को एक्टर पसंद आया। शी इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंस, वेरी इंटेलिजेंट, और टीम बीच आई लाइक दिस स्टोरी वॉज डिजाइन इन बीच फॉर बीच फॉर माई बीच, दिस इज द बीच स्टोरी। मतलब ये अर्थ पॉइंट है, इसको बोलते हैं क्वीन ऑफ अर्थ। मतलब एक प्रणांति राय प्रकाश नाम की पुरानी अर्थ पे रहती है, जो पैदा हुई थी बिहार में, उसका नाम उसके माँ बाप ने बहुत सही रखा, मतलब द साउंड वर्ड्स राइट, मतलब इतना कूल कॉम्बिनेशन। मेरे को ओकरा में तो ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, पर जो ओकरा नाम है आया है उससे प्यार हो गया मुझे, और सच में मैं उसको अपना गर्लफ्रेंड भी मानता हूँ, वो नहीं मानती मुझे अपना बॉयफ्रेंड, तो इसमें नहीं है मेरा घाटा और ना मेरा कुछ है जाता, बट हाँ प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा बहुत याद आता है उसका, बहुत अपनी फिल्म में हीरोइन बनाना चाहता था उसको, कहानी भी लिखा उसके लिए, धोखा दे दिया मुझे, छोड़ दिया मुझे। बजट ना हो तो फिल्म बनाने का नहीं सोचना चाहिए, वो बहुत तकलीफ होता है, वही झेल रहा हूँ। I'm loving your emotion, loving everything you wanna say to me. I love it. You know I've been thinking about this fucking girl. I want it. Smoking and we drinking, and you know that it's a vibe. 'Cause I'm loving your emotion, loving everything you wanna say to me.
बाकी सारी ट्रेनिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा इन्फॉर्मेशन। मैं अपना एकेडमी खोल रहा हूं। मैं मेरे एकेडमी में आपको हाउ टू सेव योरसेल्फ इसकी भी ट्रेनिंग दूंगा मैं। यहां से लो ये फ्रेम आप से ले, ये बहुत ही खूबसूरत स्ट्रीट है और दिस इज द ब्रूस रिफ्लेक्शन। अच्छा ये आए तो ये था शॉर्ट। बेसिकली इसका मुद्दा ये था कि वो जो रिक्शा था वो रिक्शा इससे कनेक्ट करता कहानी से सिगरेट। ये पूरा क्वांटम पैरेलल है, मतलब वो रिक्शा जो मेरे आंखों में आपको दिख रहा था जाते हुए वो रिक्शा यहाँ पे घुसा टीवी और एक ऐड से, मतलब दिस इज़ ऐड शूट, ऐड कैंपेनिंग बोल सकते हैं। सिगरेट जो आप पी भी सकते हो और नहीं भी पी सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके पास। दैट इज फ्री ड्रग्स। मैं वही आप मेरे फेवरेट हीरो। मेरे सबसे खूबसूरत सबसे टैलेंटेड होनहार भाई बहुत ही टैलेंटेड होनहार एक्टर, मैं इनको लेके फिल्म बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी। एंड मस्त है ये ब्लॉग अपना, इसका फिल्म कोरियोग्राफी फन ओवर ये था गाना और ये थी कोरियोग्राफी। इसको बोलते हैं द गोल ऑफ डायरेक्शन। ये बॉल है और वो गोल पेस्ट, मतलब द पोजीशन ऑफ मार्किंग। ये इसको मैं ओढ़ाहा बोढ़ाहा जगह बोलता हूँ। मैं यहाँ पे लोग आके ओढ़ाते हैं और बोढ़ाते हैं, यहाँ पे हवा बहुत अच्छी चलती है। मैंने अलग अलग हिसाब से अलग अलग तरीके से पूरे वर्षों को एक अलग अलग ज्योग्राफिकल नाम और एक अलग पॉइंट मार्किंग सब करके रखा हुआ। मैं जो अपने फिल्म के माध्यम से तुम लोगों के सामने लाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ये यूनिवर्स कितना खूबसूरत डिज़ाइन खेला है अ पार्ट ऑफ माय नॉलेज। और ये अपना मोहल्ला जो रात भर करता है हल्ला, यहाँ पर नया नया डेली शादी होता है और हमको ये चीज़ सबसे अच्छा लगता है कि यहाँ पे जिस ट्रेडिशन जिस कल्चर और जितने प्यार और जितने कहते ना सम्मान से शादी करना, एक होता ना मैरिज विद द प्राइड, वो यहाँ देखने को मिलता है। और आपके देखो आप लोग कि व्हाट द सेलिब्रेशन कनेक्शन इमोशंस रिलेट, और जो शादियों में लोग जिस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने, अपने रिलेटिव अपने फैमिली अपने लोग, देखना चाहिए आप लोगों को। एंड आई टोटली लाइक इट सीरियसली। और ये मड है और ये सिग्नल और ये अपना तो चेस फॉर दीपिका डार्लिंग चेस।